आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर सीखने की चाह हूँ आपके अंदर तो आप सीख सकते हैं। ये बच्चा बहुत छोटा है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आ गया हूँ, सीधे उठ के बाहर आया हूँ। टाइम हो रहा है 8 बज गए मॉर्निंग के। मौसम जो है, कहते हैं ना, बारिश जैसा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानसून जो है बहुत पहले आ गया है, जबकि मानसून आने में अभी 2 महीने हैं। पता नहीं क्यों ये मौसम जो है कहर ढा रहा है, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी बारिश। तो अभी तो फ्रेश होऊंगा, फिर देखते हैं आज का प्लान। चलते हैं कहीं घूमने सुनने आस पड़ोस के एरियाज में। तो घूमते हैं थोड़ी देर, फिर होते हैं फ्रेश। सो गाइस, आ गया हूँ किचन में और मम्मी बना रही हैं सैंडविच। पहली बार बना रही हो? नहीं, ये कोई बनाने वाले चीज है तो बनाते ही रहते हैं। आइए, हाँ, आप लोग भी खाइए। सही बात है। चलो तो सर्व कीजिए, हमारे सक्षम बैठा हुआ है रेडी और मैं भी करने जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट। सो गाइस, आ गए हैं हमारे सैंडविच और ये खा रहे हैं सब सक्षम शर्मा अकेले। अकेले नहीं खा रहे हैं, आप देख गए होंगे चाय देखकर, 3 चाय लगी हुई है। हम तीनों भाई यहीं पर हैं इस समय घर पर, और सैंडविच सैंडविच के साथ है हमारी चाय और ये टोमेटो केचप है। तो करता हूँ मैं ब्रेकफास्ट, फिर चलते हैं बाहर। तो गाइस, आ गए हम लोग ग्राउंड में अपने वॉलीबॉल के, कर रहे हैं ग्राउंड की तैयारी। मोहित, सक्षम, शेखर बाहर जा रहा है, वो सब कहीं, और वो है हमारे रमजानी, मतलब ऋषभ, सॉरी, ये है ऋषभ हमारे। सो गाइस, जब से मैं बरेली में शिफ्ट हुआ हूँ तब से इस ग्राउंड में वॉलीबॉल होना बंद हो गया था, तो आज मैं आया हूँ, फिर से स्टार्ट होता हो रहा है। इनको फिर से रीइंस्टॉल किया जा रहा है हमारे पोल्स को, और ये मंगाई है वॉलीबॉल और ये नेट। तो कितने की मिली वॉलीबॉल? 800 रुपये की टोटल, दोनों, मतलब दोनों चीज़ें 800 रुपये की हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये ओरिजिनल वॉलीबॉल है नीविया, क्योंकि हमारे कांट में यही मिलती हैं। ये इसका नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ओजा क्लियर भाई, उस पर तो कोई ब्रांडिंग है नहीं, ठीक है, और नेट पे तो कोई ब्रांडिंग है नहीं, बस वॉलीबॉल नेट लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज से वॉलीबॉल। मैं सैटरडे में आया करूँगा, और सैटरडे में और संडे में खेला करूँगा, क्योंकि थोड़ा फिट रहना है। सो गाइस, रेडी हो गया है हमारा ग्राउंड। बच्चा पार्टी अभी खेल रही है, शाम को होगा अच्छा मैच सारे प्लेयर्स के साथ। सो गाइस, आ गया हूँ घर और टाइम हो गया है 3:30, और जो मेरा सोने का टाइम होता वैसे तो लेट हो गया है। पहले मैं क्या कहता हूँ, मैच खेलता रहा, वॉलीबॉल का एक मैच खेला, फिर मैंने उसके बाद घर आया तो मेरे कपड़े पड़े हुए थे, उनको मैंने धोया वॉशिंग मशीन में, लाइट चली गई है, तो मैंने सोचा सो लेता हूँ थोड़ी देर, शाम को सारे बॉयज वापस आ जाएंगे तो मैच होगा, तो अभी सोते हैं, मिलते हैं इवनिंग में, तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, आ गया हूँ शाम को, जल्दी उठ गया हूँ और वापस आ गया ग्राउंड पर। आप पीछे देख सकते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं दो लोग। अब गाइस, आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर सीखने की चाह हूँ आपके अंदर तो आप सीख सकते हैं। ये बच्चा बहुत छोटा है, अंडर हैंड इसका कितना परफेक्ट पढ़ रहा है, और यही वह चीज़ें सिखाता हूँ अपने स्कूल में बच्चों को कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख जाएंगे, और आप इंजॉय करना चाहते हैं तो मस्ती करते रहिए गेम में, बट आई डोंट लाइक कि आप किसी भी गेम को सीरियस ना लें। अंडर हैंड एकदम परफेक्ट पढ़ रहा है इस बच्चे का, देख सकते हैं आप। अरे वाह,
सो गाइस, हो गया है गेम और काफ़ी टाइम तक हमने अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 गेम्स खेले हैं, यानी मैचेस खेले हैं। तो अभी आ गया हूँ घर पर, रेस्ट करूँगा थोड़ी देर, चाय चाय पीते हैं, फिर करते हैं डिनर विनर। अगर कोई आता है बाहर, तब ये लोग गए हुए हैं तो चलेंगे बाहर थोड़ा। सो गाइस, अभी मैं बैठा हूँ, शाम के हो रहा है 8:30, पापा जी के साथ देख रहा हूँ न्यूज। न्यूज में वही यूक्रेन और रूस का जो वॉर चल रहा है, वही, क्योंकि फरीदपुर में तो है नहीं टीवी, तो यही देख रहे हैं। सो गाइस, टाइम हो गया है हमारे डिनर करने का। डिनर में है देसी घी के आज पराठे खा रहा हूँ, ये है कैबेज एंड पीस की सब्जी, ये है आपके आलू हमारे यहाँ बनते हैं चटपटे, और ये थोड़ी सी मिठाई। तो मैं करता हूँ अपना डिनर, मिलते हैं बाद में, क्योंकि आज जल्दी डिनर कर रहा हूँ, जल्दी सो जाऊँगा, कल मॉर्निंग जल्दी उठना है, जाना है स्कूल। सो गाइस, टाइम हो गया है अब 9:35, और अब सोने का भी टाइम हो रहा है। पहले तो एडिटिंग करनी होगी, एडिटिंग फिनिश होगी अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे, 11 बजे सोऊंगा, 5, 5:15 बजे उठ जाऊंगा, जाना है स्कूल के लिए। तो इसी के साथ एंड अप करता हूँ आज के इस ब्लॉग को, मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में, चलेंगे बरेली वापस, और कोशिश करूँगा कि मैं कल आ ही जाऊँ, क्योंकि परसों छुट्टी है शिवरात्रि की। तो एडवांस में आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, हमेशा आप लोग खुश रहें, आपकी सारी विशेष पूरी हों। तो कल मिलते हैं कल मॉर्निंग में, बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद की सेना।